फ्यूचर डॉटर इन लॉज बड़ी खुश होंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ लगते गाजर का हलवा टेस्टी हो जाएगा? लो यार फिर ये बैठे बैठे मटर वगैरह भी छिल देते, छिल लो यार प्लीज। कुछ स्पेशल लोगों की वजह से यार दोबारा बन रहा है तो बैक। हाँ सो डिनर वगैरह सब हो चुका है और बस अभी मैं ना एक ऑयल बनाने जा रही हूँ, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था मेरा, मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम फ्री है मेरे पास। तो उस ऑयल को बनाने के लिए मैं ना अभी यहाँ नारियल तेल है ना, तेल है इसको पिघला रही हूँ, ये पानी मैंने गर्म किया हुआ है तो इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और इसमें जो मैं डालूँगी वो डालूँगी मेथी दाना, मेरे पास ये ड्राइड आंवला है वो, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़े से करी लीव्स और यहाँ पे मेरे पास काला तिल है तो काला तिल भी ऐड करेंगे। तो बस अभी इसका तेल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बट अभी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि नारियल तेल जो है ना वो मेल्ट नहीं हो रहा, बिकॉज बिल्कुल ही जमा हुआ है अच्छे से, तो वो मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। अब जब तक वो मेल्ट नहीं होगा तब तक ऑयल नहीं बनेगा। सो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा। सो यहाँ पे मैंने नारियल तेल को मेल्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ है, बाकी इसमें हो ही जाएगा। गैस मैंने कर दी है सिम और बस इसको हम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ml का ये जो पैराशूट नारियल तेल होता है ना वो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं सबके लिए बना रही हूँ, पूरी फैमिली इसको यूज़ कर लेगी, तो मैंने 500 ml की बॉटल ली। तो यहाँ तेल मेरा गरम हो चुका है, तो यहाँ अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें आंवला, ड्राई आंवला। तो मैंने यहाँ पे ना 100 ग्राम लिया है आंवला का, जो साबुत आंवला आता है ना उसका पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट है और 500 ml का मेरा ऑयल था। तो थोड़ा सा स्टर करेंगे और अब स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती और मेरे पास ही काला तिल है 100 ग्राम, पर 100 ग्राम तो यूज़ नहीं करूँगी, आधा ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इतना कर रही हूँ काला तिल यूज़। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ ये मेथी दाना, ये भी मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ना वो ऐड कर रही हूँ, ये कड़ी पत्ता लीव्स, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। तो इसको थोड़ी देर से पका लेना है। तो यहाँ पे मेरा ऑयल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट मैंने इसको पका लिया अच्छे से, बस अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा उसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर इसको धूप दिखाया करेंगे डेली बेसिस पे और साथ के साथ आप इसको यूज भी कर सकते हो। मुझे पता नहीं है कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, बट मैं कर रही हूँ, रिजल्ट मिलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ मेरा रेडी है, इसको छोड़ देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है कौन सा डे, आज सैटरडे, डेट कौन सी है मुझे याद ही नहीं आ रहा, सैटरडे का दिन है आज। खैर सो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ रात के 9 बजे से स्टार्ट, कैन यू इमेजिन, पूरे दिन भर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, काफ़ी बिजी था आज का दिन, काफ़ी छोटे छोटे काम थे घर पे, तो बस अभी सोचा मैं व्लॉग तो शुरू कर ही देती हूँ यार, क्योंकि कल रात को मैंने, कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना उसके बाद मैंने कुछ ऑयल प्रिपरेशन वाला जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है, मतलब उसमें मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया था। सुबह से ही छोटे छोटे काम थे तो बाहर के भी कुछ काम थे, हम लोगों ने वो निपटाया, अभी शाम को भी हम लोग बाहर निकले थे तो वो भी काम ऑलमोस्ट निपट चुका है और बस अभी घर आके मैं खाने वाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना तो मैंने आज कुछ खास बनाया नहीं, क्योंकि दोपहर में मैंने दाल राइस बनाए थे वो बचे थे और कल जैसे मैंने नॉनवेज बनाया था तो वो बचा होता तो मैं और यशवंत का तो हमारा वही हो जाएगा,
और बच्चों के लिए दाल राइस ही हो जाएगा। सो खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए आज आराम से हम लोग बाहर के काम निपटा रहे थे। सो बस अभी 9 बज रहे हैं तो मैंने सोचा चलो यार आज तो व्लॉग शुरू करूँ, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दूँ। और ये देखो हमारे भाई साहब, क्या पढ़ रहे हो आप? किताब पढ़ रहा हूं। कौन सी किताब पढ़ रहे हो? ये वाली। कौन सी वाली बताओ। अरे ये वाली। अरे भैया हमें क्यों पता लगेगा कौन सी वाली है, नाम तो बताओ किताब का पहले। यहाँ पे नाम लिखा हुआ, आपको पढ़ना आता है? गेट गेट र ए आ रेडी रेडी हाँ ओ नहीं रेडी के बाद व्हाट इज दिस फॉर और पर हाँ एन हाँ इन हाँ ग्र क्रै 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 इन क्रैश इन क्रै डी डी हाँ इ बल इनक्रेडिबल्स इनक्रेडिबल हाँ एड हाँ ब्लेंड करो वर्ड्स को एड व्हेन व्हेन चर चर एडवेंचर एडवेंचर सबको ऐसे पढ़ना नहीं आता, मतलब ब्लेंड कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में जो जिसमें फोनेटिक्स के रूल्स लगते ही नहीं है, तो वो अभी बेचारा पढ़ नहीं पा रहा ये चीज़ों की दिक्कत को लेकर बैठा है। मत क्यों बेड पे आप देख सकते हो सारे कपड़े फैले हैं, आज सारे कपड़े धोए थे हम लोगों ने, धूप बहुत अच्छी आ रही थी तो सारे कपड़े सूख गए, सारे मतलब ब्लैंकेट वगैरह भी सब सूख गए अच्छे से, इसकी तह लगानी है। बट इससे पहले छोटा मोटा और काम निपटाते हैं क्योंकि आज घर में बन रहा है एक बार फिर गाजर का हलवा। एक बार मैंने बनाया था लोहड़ी पे और अब आज बन रहा है। 2.5 किलो के आसपास ही गाजर है और क्योंकि खाना वाना बनाना नहीं था तो मैंने कहा चलो यार ये बना ही लेते हैं, सामान बड़ा ही हुआ था इसका। और साथ में मैंने ये भून दिए हैं मखाने रोस्ट करके, मैं ना इसको बॉक्स में डाल दूँगी तो उत्सव उत्कर्ष इसको स्कूल लेके जाते हैं शॉर्ट ब्रेक वगैरह में खा लेते हैं। सो बस यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर लिया है मैंने, इनको रोस्ट कर लिया है मैंने और यहाँ पे अभी मावा जो है इसको मुझे ग्रेट करना है, प्लस किशमिश को भी मैंने थोड़ा सा धो के ना फिर डालूंगी इसको। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि कब ये बनेगा, इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। 9 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, मुझे लग रहा है 10:30-11 कहीं नहीं गए, पर चलो कोई बात नहीं, आज खाना वाना नहीं बनाना तो ये काम किया जा सकता है आराम से। जनरली मैं ना गाजर का हलवा इतना बनाती भी हूँ, मतलब मैंने एक ही बार बनता है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था तो बहुत टाइम लग गया था उसको निपटने में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, मैं और यशवंती खाते हैं और यशवंती कई बार भूल जाते हैं तो फिर मैं ही खाती हूँ वो मीठा मीठा, तो अननेसेसरी मैं फिर नहीं बनाती हूँ। कभी ऐसे मन करता है तो बाहर से आ जाता है तो बाहर से खा लेते हैं, तो बट आज बना रही हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल लोगों की वजह से ये आज दोबारा बन रहा है। तो अगर वो स्पेशल लोग मेरा व्लॉग देखते हैं ना तो भैया आज ये सेकंड टाइम जो हमारे घर में ये गाजर का हलवा बन रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ऑल करेक्ट। अच्छा वैकस का गुड है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बताया ना। तो फटाफट कर लेती हूँ इसकी प्रिपरेशन, ये तो आज 11:30 यहीं बच जाएंगे, खाना तो नहीं बनाया बट इसके चक्कर में 11:30 बच जाएंगे। पजामा कहाँ है तेरा? ये रहा। पजामा कहाँ है? ये रहा। ये तो वार्मर है, इसको पजामा नहीं बोलते, इसको पजामा नहीं बोलते, ये बॉडी वार्मर होता है, ये बॉडी वार्मर होता है बेटा। मम्मी अजी क्या है? पोटैटो? नो चीकू। अजी क्या है? अरे ये चीकू ऐसे वो क्यों हो रहे हैं, गलाए हुए लाए हो क्या? अच्छा चीकू है, चीकू इसको क्या कहते हैं? ये तो टोकरी बास्केट है, स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर से पानी बहुत स्ट्रेन हो जाता है। लो यार फिर ये बैठे बैठे मटर वगैरह भी छिल देते, छिल लो यार प्लीज, 1 किलो मटर लाई हूँ यार। कैसे हो तुम गंदे से चिनो, आज तू रात को बैठ के मटर छिलेगा ठीक है? हाँ मटर छिल लेगा, स्टोर कर दूंगी ना यार, मैं तो बड़ा टाइम बर्बाद होता है इसको बनाने में। हाँ रात को करना ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं, नहीं मना कर रही हो ना उशी, जिद्दी 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 तू बहुत जिद्दी करता है। और यहाँ यशवंत गाजर में अपने क्या कहते हैं उसको, हाथ को क्या बोलते हैं, कर हाथ क्या, कौन से हाथ, अरे बताओ, कर कमलों से, फिर क्या होता है ये, क्या होता है फिर बताओ, मिडास टच। अरे यार वैसे बताओ ना हिंदी में बताओ प्रॉपर क्या बोलते हैं, अपने हाथों से गाजर के हलवे में जादू बिखेरते हुए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ लगते गाजर का हलवा टेस्टी हो जाएगा? ये जहाँ जाएगा उनसे पूछा जाएगा कि टेस्टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उन्होंने नहीं कहा होगा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। चलो लगाते रहो, कीप डूइंग इट, इसको मेरे ख्याल से भी ढक के रख दो, नहीं तो नहीं ढकोगे तो फिर वो हो जाएगा। दूध ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं? 2 किलो है। 2 लीटर
तो आंच तेज कर दो, नहीं तो सूखेगा नहीं है। बस छोड़ दो, मेरे को रोटी वोटी बनानी है। आज मैंने यहाँ दोनों बंदरों को लगा दिया मटर छिलने में। उत्तू मटर छिल रहे ना, मेरा हेल्प कर रहे ना उत्तू। हाँ मेरा गुज्जा नहीं, यहाँ पहले ढंग से मटर छिलो, छिलके इसमें डालना है, मटर उसमें डालना है, ठीक है खुशी? बड़ा कटोरा तू छोटा, इसमें देखो आप मटर छोड़ रहे हो, मटर को अच्छे से करना है, ठीक है खत्म कर। फिर मैं तुझे कल मटर पनीर खिलाऊंगी। बुद्धू, हाँ बुद्धू, मम्मी हाँ, गाजर कोई फल नहीं है, कटोरी इसलिए बड़ी कर रही है मम्मी। हाँ मम्मी, गाजर कोई फल नहीं है। क्या है फिर गाजर? गाजर तो कोई सब्जी है, गाजर तो कोई फल नहीं लग रही है। अरे मुझे तो लगा था गाजर फल है, वेजिटेबल ही तो होता है। दोनों को आज मैंने बंधुआ मजदूरी पे लगा दिया। वेरी गुडी, क्या कर रहे हो शी? क्या कर रहे हो बेटा? ढंग से कर, ढंग से कर, नहीं ऐसा नहीं कर। देख रहा है कि अंदर बीन्स तो नहीं रह गए कुछ। चलो चलो आज सारे मटर खत्म करने हैं तुमने, ठीक है? सारे काम सीखो घर के। तुम दोनों को घर के सारे काम सिखाऊंगी मैं, ताकि किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े तुम्हें। नीचे मेहनती बच्चे, अच्छे से मटर को छिलते हुए। हाँ मैं तो छील ही लेती हूँ बेटा, मैं तो रोज छीलती हूँ। अरे तुम छील के दिखाओ ना दोनों के दोनों। आज जो फ्यूचर डॉटर इन लॉज होंगी ना, वो बहुत खुश होंगी आज मुझे देख के। तुम लोगों को ऐसे देख के, जब वो देखेंगी तुम्हारा ब्लॉग। कौन? मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉज कौन होगी? मेरी डॉटर इन लॉज कौन बोला? कौन होगी? मेरी बहू है। कि मेरी सास ने ना बच्चों को पूरा काम सिखा रखा है, तो पूरा काम सिखाऊंगी तुम दोनों को, किचन का भी घर का भी सारा। है मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉज बड़ी खुश होंगी मेरे से कि भैया इन्होंने अपने बच्चों को सारा काम सिखाया है। मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉज बड़ी खुश होंगी कि इन्होंने भैया अपने बच्चों को सारा काम सिखाया। वो तेरे से खुश होनी चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है, सास से तो कोई खुश नहीं होता। तो फाइनली हो चुके हैं रात के 11:30 और गाजर का हलवा भी बन चुका है। मतलब बनाया मैंने लेट था, कितने बजे 8:30-9 के आसपास मैंने रखा था और 11:30 बज चुके हैं। मैंने सब खोया वगैरह सब मिक्स कर दिया है, बस जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना ये सब मैं मॉर्निंग में डाल दूंगी ऊपर से ही। तो अभी किसी ने चखा भी नहीं है और अब खाने का मन भी नहीं है किसी का। 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है 11:30 बजे। क्या हो गया? एक तो ये पता नहीं क्यों नाराज रहता है हर चीज में। बुक को यहाँ रख दो। गुस्सा आ गया, गुस्सा। आपको तो गुस्सा ही आता रहता है जब देखो। क्या हुआ बताओ मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे, अच्छा हटो तो सही, क्यों गुस्सा आप मेरे से बताओ? आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे ना, मैं काम कर रही थी, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे आप। मैंने गला पकड़ रखा है तुम्हारा। आप ऐसे गुस्सा क्यों होते हो मम्मा पाज? ऐसे गुस्सा आ जाता है। सो जाओ मेरे चचा, एक यही नहीं सोता बताओ। 11:30-12 होने को आ रहे हैं, मजाल है जो उसकी नींद पूरी हो रही हो, नींद आ रही हो उसको। भाई को देख कब तक सो चुका है। आज का ब्लॉग में यहीं पे फिनिश मिलती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन केस यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है उशी? द उनियाल फैमिली। Family. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.